हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ट्यूटोरियल दीपिका पादुकोण के स्मोकी लुक पर है। सो मैंने ऑलरेडी फेस को अच्छी तरह मॉइस्चराइज कर लिया है और अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। स्पॉन्ज की हेल्प से आप अच्छी तरह फाउंडेशन को फेस पर अप्लाई करें। देन मैं यहाँ कलर बार का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। मैं दीपिका के जैसे थिक एंड डार्क आईब्रोज फिल करूँगी। इस लुक के लिए मैं पहले आई मेकअप करूंगी, देन कंसीलर अप्लाई करूंगी। देन स्मोकी आई के लिए मैं सबसे पहले काजल पेंसिल को आईलिड पर अप्लाई करूंगी, देन इसको स्मज आउट करूंगी। ये स्टेप करने से आपका जो ब्लैक आई शेडो है वो बहुत अच्छी तरह से आईज पर स्टे करता है। सो ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। सो हमारा बेस रेडी हो गया है। अब हम एक ब्लैक आई शेडो को फ्लैट ब्रश में लेके टैपिंग मोशन में पूरी आईलिड पर प्रेस करेंगे। देन हम ब्रश की हेल्प से आई शेडो को क्रीज लाइन तक स्प्रेड करेंगे। इस लुक में दीपिका की आईज पर आई शेडो राउंड शेप में अप्लाई किया गया है। सो मैं भी आई शेडो को राउंड शेप में अप्लाई करूंगी। सो आप इस आई शेडो को अपने आई बॉल के शॉकेट शेप में ही रखें, इसे विंग की तरह बिल्कुल भी ना निकालें। मैंने एक बड़ा फ्लफी ब्रश लूंगी और जो एजेस हैं उसको अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। एंड मैं एक डार्क थिक काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड पे इसको अप्लाई करें और एज अ लाइनर भी आप इसे अप्लाई करें। देन मैं कंसीलर से आईज को अच्छी तरह ब्राइटन अप करूँगी। जब आप कोई भी डार्क शेडो अप्लाई करते हैं सो कंसीलिंग स्टेप आपको बाद में करना चाहिए ताकि आई शेडो अप्लाई करते समय जो भी फॉल आउट हुआ हो हम उसको करेक्ट कर सकें। देन मैं एक पेंसिल ब्रश लूँगी और इसकी हेल्प से आई शेडो को फिर से थोड़ा सा करेक्ट करूँगी। हो सकता है कंसीलर की वजह से आपका आई शेडो शेप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हो, सो आप बाद में इसको करेक्ट कर सकते हैं। दीपिका की आईज पर इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट नहीं किया गया है, बट मैं यहाँ थोड़ा हाईलाइटर अप्लाई करूँगी। देन लूज पाउडर की हेल्प से कंसीलर को अच्छी तरह सेट करूँगी। मैं दा बाम के ब्लश एंड आई शेडो पैलेट से ये ब्राउन्जर एंड पीच कलर का ब्लशर अप्लाई करूंगी। दीपिका ने एक न्यूट्रल शेड लिपस्टिक अप्लाई की है। मैंने यहाँ डिबोरा का लिप पेंसिल यूज किया है और उसको थोड़ा सा ग्लॉसी बनाने के लिए लिप बाम यूज की है। देन फेस को सेटिंग स्प्रे से सेट करूंगी एंड एंडिंग में मस्कारा अप्लाई करूंगी। एंड दिस इज द फाइनल लुक। आप इस पे एक छोटी सी बिंदी अप्लाई करके इसको ट्रेडिशनल लुक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।